अपने सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार और सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज मैं आप लोगों को बच्चों को विभक्ति और विभक्ति चिन्ह याद नहीं हो पाते, आप थोड़ा सा वे बच्चे इस प्रकार से उसे पढ़ करके तैयार करने की कोशिश करें तो उन्हें ये बहुत जल्दी याद रहेगी। जैसे बार बार याद करने पड़ते हैं प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से या के द्वारा, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलगाव के योग में, षष्ठी काकी के रारी रे नानी ने, और सप्तमी का चिन्ह मे पर होता है। लेकिन अगर इसे गा करके बोल लिया जाए तो बहुत जल्दी याद रहते हैं और हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, इसलिए इसे गाकर बोलते हैं। प्रथमा ने द्वितीया को, प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, काकी के रारी रे नानी ने, षष्ठी में पर हो जाती है सती। प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, काकी के रारी रे नानी ने, षष्ठी में पर हो जाती है सती। चिन्ह जाने बिना संस्कृत के अनुवाद संभव नहीं है, इसलिए हमें इन विभक्तियों के चिन्हों को इस प्रकार से अगर हम बोल लें, दो चार बार बोलेंगे तो निश्चित रूप से इनके चिन्ह हमें हमेशा हमेशा के लिए स्मरण में रहेंगे और हम वाक्य बनाने मेरे लिए आसान हो जाएंगे। आगे के वीडियोस में हम आपको संस्कृत की संधियां, संस्कृत के सूत्र, संस्कृत में समास, ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। समय लगता है, काफ़ी दिनों के बाद आज ये मैंने अपना वीडियो आपको देने की कोशिश की है। आप सहयोग देते रहें, आपका स्नेह मिलता रहे, बस इतना ही। आगे आपके फिर से इंतज़ार में, सभी को नमस्कार।